वहीं बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने आदमपुर उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। सांसद ने कहा कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियों का आदमपुर उपचुनाव लड़ना औचित्य विहीन है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर परंपरागत सीट पर उपचुनाव को विपक्षी दल छोड़ देते हैं। दोशाम और किलोई इसके उदाहरण है। विपक्षी दलों को यह भी समझना चाहिए था कि जब उन्हें कुछ मिलना ही नहीं है तो फिर चुनाव लड़ने का क्या फायदा है। धर्मवीर सिंह ने कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार हमारे पुराने साथी रहे हैं, उन्हें 67 साल से ज्यादा की उम्र में यह सोचना चाहिए कि जब वो एक बच्चे से चुनाव हारेंगे तो कैसा लगेगा। अच्छा होता है कि वो यहां से अपने बेटे को चुनाव लड़वा लेते। इस चुनाव में कांग्रेस जमानत बचाने के लिए संघर्ष कर रही है जबकि इनेलो और आम आदमी पार्टी को कोई भविष्य नहीं है। जो आज का आदमपुर है ये 2009 से पहले इस आदमपुर की स्थिति थोड़ी सी अलग थी। भौगोलिक दृष्टि से उसे काम पट्टू के मिल रहे हैं और इसके अपने गाँव मड़वाओं से मिले। आज का आदमपुर लगभग 70% वही है जो सेम से था। और मैं ये मान के चलता हूँ कि ये चुनाव नंबर का है, आजीत का चुनाव नहीं है। 2005 के बाद जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए, चाहे वो लोकसभा का सीगमेंट था या विधानसभा का चुनाव था, आप याद करिए 2005 के बाद 2009 लोकसभा विधानसभा, 2012 बाई इलेक्शन, 2014 लोकसभा विधानसभा चुनाव, 2019 लोकसभा विधानसभा चुनाव, अब जाके के लिए 2022 तक पाई है। एक चुनाव को छोड़ केवल मात्र एक चुनाव को छोड़कर पंजे का निशान केवल एक बार जीते हैं, बाकी हर बार भारतीय जनता पार्टी या इसके सहयोगी दलों ने या दूसरे लोगों ने चुनाव जीते हैं।